दोस्तों इस वीडियो में हम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में जो फर्स्ट T20I मुकाबला खेला गया, तो फर्स्ट T20I मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स अभी तक का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप आखिर तक देखते रहे। तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में पहला T20I मुकाबला दोस्तों दिल्ली में खेला गया, अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जहाँ पर टीम इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 211 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। इंडिया की तरफ से बात करें तो दोस्तों काफ़ी शानदार तरीके से ईशान किशन ने 76 रन बनाए, ऋतुराज गायकवाड़ ने 23 रन की इनिंग खेली, श्रेयस अय्यर ने भी 36 रन बनाए, ऋषभ पंत ने भी 29 रन की इनिंग खेली। हार्दिक पांड्या की बात करें तो उन्होंने भी 31 रन नॉट आउट बनाए सिर्फ 12 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 3 बेहतरीन सिक्सेस लगाए। दोस्तों अगर हम बाकी की बात करें तो केशव महाराज ने अफ्रीका की तरफ से 1 विकेट, नॉर्चे ने 1 विकेट, पार्नेल ने 1 विकेट और प्रिटोरिस को भी इस मैच में 1 विकेट मिला। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से टीम इंडिया ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करी। तो अब बारी आई थी साउथ अफ्रीका की टीम की, तो उन्होंने भी शानदार तरीके से बैटिंग करते हुए जो 212 रन का टारगेट उनको मिला था दोस्तों उसको चेस करते हुए, उनकी अगर हम अभी फिलहाल बात करें तो 17 ओवर में 178 रन पर 3 विकेट्स अभी स्कोर है, जिसमें अगर हम बात करें तो क्विंटन डिकॉक ने शानदार 18 गेंदों में 22 रन बनाए, बाउमा ने 10 रन की इनिंग खेली, प्रिटोरिस ने भी 13 गेंदों में 29 रन बनाए, वेंडर डुसे ने 38 बॉल्स में 52 और डेविड मिलर ने भी 26 बॉलों में 56 रन का इनिंग अपने टीम के लिए खेला। इस तरीके से मैच में काफ़ी शानदार तरीके से साउथ अफ्रीका ने अभी तक बल्लेबाजी करी। डेविड मिलर, जिनका आईपीएल 2022 में फॉर्म जो है काफ़ी अच्छा रहा था, उन्होंने 26 बॉल में 56 रन अभी तक बना दिए हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से वो भी अपने टीम के लिए फिलहाल बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 4 बेहतरीन सिक्सेस भी अपने टीम के लिए लगाने में वो कामयाब भी हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अभी तक आपको बताएं तो 18 बॉल्स में 34 रन्स आर रिक्वायर्ड टू विन द मैच फॉर साउथ अफ्रीका टीम। तो आप देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका टीम इस मैच को जीतने में कामयाब होती। मैच का अभी तक का जो फुल हाइलाइट्स का रिव्यू है मैंने आपको इस वीडियो में कर दिया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद यही करूँगा आपको ये हाइलाइट्स का जो रिव्यू मैंने किया है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को भी आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों हमने आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्टेंट बनाने की कोशिश करी है। साथ ही में दोस्तों अभी 18 बॉल्स में यहाँ पर दोस्तों आपको बताएं जो 34 रन रिक्वायरमेंट थी अभी वो 17 बॉल में 28 रन रिक्वायर्ड हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बताएं तो काफ़ी शानदार तरीके से डेविड मिलर ने इस मैच में बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम को लगभग दोस्तों वो हारा हुआ मुकाबला जीतवाने में लगा जुटे हैं, और शायद अगर वो आखिर तक रहे तो वो अपने टीम को इस मैच को जितवा के ही ले जाएंगे, और 17 बॉल्स में 28 रन का उन्होंने जो नॉक खेला अपने टीम के लिए काफ़ी शानदार तरीके से, सॉरी 17 बॉल में 62 रन का अभी तक 27 बॉल में 62 रन जो उन्होंने बनाए काफ़ी शानदार बनाए, अभी 17 गेंदों में 28 चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको जो हाइलाइट्स का रिव्यू मैच में क्या कुछ हुआ, स्पोर्ट्स अपडेट इस मैच का, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट T20I मैच 2022 का आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को भी आप ज़रूर हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो दोस्तों, इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखना और क्रिकेट के बारे में जो भी अपडेट्स न्यूज़ चाहिए, साथ ही में और भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वैल्यूएबल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, वो हम आपके लिए देते रहेंगे। थैंक्स हमारे साथ जुड़ने के लिए।